निकाय चुनाव की गर्मी सड़ चढ़कर बोल रही है। सभी प्रत्याशी ताकत झोंकने में लगे हैं। वार्ड 12 की सपा से पार्षद पद की प्रत्याशी चंद्रकली लोधी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने खुद सपा से मेयर पद के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। कार्यालय में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हाजी यूसुफ अंसारी ने इस मौके पर भाजपा पर जमकर प्रहार किए। हाजी यूसुफ अंसारी ने सभी क्षेत्रवासियों से 29 नवंबर को साइकिल के निशान वाले बटन पर दबाकर विजयी बनाने की अपील की। यूसुफ अंसारी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीतेगी तो विकास ही विकास होगा। सर, समाजवादी पार्टी ने अधिक से अधिक प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे हैं, लेकिन सर अगर हमारे द्वारा जो एक ज्ञान के विषय में उनका संज्ञान लिया गया था तो उनसे तो सर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी नहीं पता है। सर, ऐसे प्रत्याशी विकास के करेंगे जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं पता? ये साहब आप भी बता रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं सर, आप प्रत्याशी सभी अच्छे से देखभाल के उतारे गए हैं और अच्छे प्रत्याशी है मैदान में जी। और ऐसा आप जो कह रहे हैं ये भाजपा के लोगों ने कहा है, आपने पहले भी दिखाया था कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं मालूम था। लेकिन ये निकाय चुनाव है, हो सकता है कोई महिला हमारी प्रत्याशी हो जिसे इस चीज़ का ज्ञान कम हो, तो ये भी हो सकता है कि कोई महिला प्रत्याशी ने आपसे अपने आप को ये कहा हो कि मेरी जानकारी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे पहले मुलाकात किया जाते और अब हमारे अखिलेश जी यादव जी बने नए नए, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएँ होती हैं उनको थोड़ा घर में रहने के बाद में अगर नहीं मालूम तो उनकी जानकारी हो जाएगी अब मैदान में आइए। तो सर बात करें, अगर समाजवादी पार्टी से अगर प्रत्याशी जीतता है तो नगर निगम चुनाव में जो है नगर निगम में जाकर महिला बैठेगी या उसके पति? नहीं, उस महिला बैठती है, जो पार्षद होगा वही बैठना था। सर, जब उनसे बोलने ही नहीं आता तो नगर निगम में जाकर बैठ के करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो वही बैठती है, क्यों नहीं बैठेंगे? उनका जब बोर्ड अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्या को लेकर जाएंगे। आज की महिलाएं क्या क्या समझ रहे हो आप महिलाओं को? आज की महिलाएं बहुत ताकतवर हैं, देश में उनका योगदान बहुत है चलाने में, प्रदेश में बहुत योगदान है, परिवार को चलाने में महिलाएं बहुत आगे हैं। ये क्या बात कर दी आपने कि महिलाएं क्या करेंगी? महिला तो सब कुछ कर सकती है, महिला कर नहीं रही क्या? ठीक है, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? क्षेत्र की जनता से क्या अपील? क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी को वोट देकर जो भी उसका प्रत्याशी है उसे कामयाब बनाए, चाहे गोविंद नगर हो, पीतल नगरी हो, या गुलाबबाड़ी हो, या कोई भी शहर में जहाँ भी हमारे 69 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पूरे प्रत्याशियों के लिए मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि सबको जहाँ भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उन्हें जिताएं। और आपकी दोस्ती के लिए मैं कह दूँ, महिलाओं को कभी कमजोर बताकर करना, महिलाएं ताकत है देश को, उनको बराबरी का हिस्सा दिया गया है और इंशाल्लाह सारे बेचारा हम लोगों के साथ पुरुषों के साथ चल के देश को आगे बढ़ा रही हैं, वो आसमान पे चांद पे भी जा रही हैं, हालांकि और बहुत बहुत दूर काम कर रही हैं महिलाएं, प्रधानमंत्री महिला बनी है, मुख्यमंत्री महिलाएं बन रही हैं, राष्ट्रपति महिला हैं। आज की राष्ट्रपति कौन है आपको मालूम है? अभी इससे पहले कौन था? नहीं सर, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति को आप दूसरे तरीके से देखा जा रहा है, यानी कि व्यापार के तरीके से? नहीं नहीं, राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति जो है समाज सेवा है। राजनीति में जो लोग व्यापार समझ के आते हैं उनका बहुत जल्दी बेड़ा गर्क हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं सरकारों का, कई लोगों ने बिजनेस समझ के आए हैं, छोटे छोटे वायदे करे, लोगों को बहकाया है और केंद्र की 3 साल में 3.5 साल में लोगों का मुंह भंग हो चुका है, प्रदेश की 8 महीने की सरकार से मुंह भंग हो चुका है। तो ये लोग जो व्यापारी समझ के आते हैं उनका तो बहुत जल्दी बेड़ा गर्क हो जाता है, और जो समाज की सेवा करने के लिए आते हैं वो बार बार सरकार में आते हैं, बार बार समाज की सेवा करते हैं और झूठ नहीं बोला करते, ईमानदारी के साथ काम किया करते हैं। सर, मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी, आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? नहीं, मैंने बहुत सारे प्रत्याशी, टक्कर किसी से भी हो सकती है, मैंने जो भी आपका मुकाबला होगा आपको पहली तारीख को पता चल जाएगा, मैं जबरदस्ती अपने सामने किसी को बताऊंगा मेरा उससे मुकाबला है, मेरा अभी तक किसी से मुकाबला नहीं है। इंशाल्लाह मैं 50 से 60 हज़ार वोटों से जीत के आऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ मुकाबला।